हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हो गया नेक्स्ट डे, संडे आज। और देखो बच्चे सो रहे हैं और ये काम कर जा रहे हैं ड्यूटी पर। 10 बज रहे अभी। नाश्ता हो गया इनका, खाना पीना। और मैं अब नाश्ता कर रही हूँ, चाय पराठा। तो माहिर भी अब उठ चुका है, तो नाश्ता करके फिर मिलती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है संडे, संडे के साथ शुरुआत करते हैं। कल से मेरी तबीयत बहुत ठीक है, तो अभी हम खा रहे हैं, आपको बताते हैं। सॉरी, पास्ता। तो आज संडे है तो बच्चों ने बोला था, कल से 2-3 दिन से ही बोल रहे हैं कि मेरे को, हमें पीठ को खाना है पास्ता। सनाया तो गई है अपने पापा के साथ घूमने, उसके लिए रख दिया है। और बाकी हम खा रहे हैं, तो मिलते हैं चलो आपसे कुछ देर बाद। तो फ्रेंड, मैं हो गई फ्री, सारा काम कर लिया है मैंने। बच्चों को पास्ता भी खिला दिया है, खा चुके हैं ये। तो अभी अगर भूख लगेगी तो कुछ और बनाएंगे। और माहिर अभी कर रहा है ड्राइंग। गर्मी हो रही है, ये ऊपर वाला पंखा हो गया खराब। थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मिलाती हूँ सनाया से। सनाया आ गई है घूम के। अब देखते हैं, इनसे पूछते कहाँ गए थे और क्या लाए हैं, ये दिखाना है ये मेरे को चीजें। हम ये लेकर आए, तो बताओ बच्चों क्या लाइए। ये क्या है? ये ले आइए फ्रूटी। ये देखो, और ये माओ ने दिए। ये ननद की बच्ची है, इनकी के वहाँ पे भी मिलने चले गए थे। इसको भी खा देते भाई, पेट का। ये ले इतना एक बैग, जल्दी जल्दी बताओ। वाह, कितनी प्यारी गंदी बोतल ले आई है मेरे जैसी। ये तो कपड़े गुड़िया के। ये गुड़िया के कपड़े हैं। वाह, हैंकी लेके आई है स्कूल के लिए बच्चे। ये एक ले लेगी निशा और एक आलू। ये है किट कैट, ये पिन, और ये है क्या है, ये आप बताना मेरे को। ये मुझे नहीं पता, आप बता देना क्या है। ये हेयर बैंड है, ये मुझे कितने रुपए की है आप देखना और मुझे बताना कमेंट में क्या प्राइस की। ये सनाया की है, ये मेरी सबसे प्यारी बच्ची की है सनाया। ये देखो जैसे इसमें इमेज है ना वैसी है। तो वहाँ क्या क्या खाया, क्या क्या किया था घूमे? के लिए इतना ही। अभी ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा मेरा। अभी मैं चाय पीकर नहा के आती हूँ, फिर बच्चों के लिए सैंडविच बनाऊंगी। सैंडविच इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। दादी पहली बार नहीं ना दादी। ये बोल रही है जो, मतलब क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप जरूर बताना कमेंट में। जो सीढ़ियां चलने वाली होती है ना, तो इसकी दादी फर्स्ट बार गई थी, तो थोड़ा गिर गई, पिछल गई। गिरी नहीं, चोट वोट तो कुछ नहीं लगी, थोड़ा ऐसे ही पहली फर्स्ट टाइम था। तो फ्रेंड, मैं हो गई फ्री क्योंकि अभी कोई आया था मिलने मेरे से। मेरी मामी और मामी के लड़के आए थे। कपड़े की शॉप भी है, तो आपको बताया पहले, पिछले ब्लॉग में नहीं देखा तो कोई देख लो जाकर। और वो मिलने आए थे, कपड़े भी देखने आए थे, और ऐसे मिलने आ गए वो। तो उन्होंने कुछ अच्छी बातें बोली, अच्छी बोली सारी बातें, लेकिन उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बोला ना, जब मुझे सीखने को भी मिला। वो मतलब हंस रहे थे, मतलब बोले मेरे को, हमें हंसी आती है, हम देखते हंस हंस के जो भी और कुछ भी डाल देती हूँ। तो इसको मेरे को सीखने को मिला कि मैं कुछ भी डाल देती हूँ इधर इस जगह ना, मैं थोड़ा कुछ जो ऐसे वैसे डाल देते हैं उसको मैं थोड़ा सीखने की कोशिश कर रही हूँ। सीखूंगी कि मुझे क्या डालना चाहिए और क्या नहीं वीडियो में। तो कोई नहीं, हंसे वो, मतलब किसी को हंसाना भी कोई आसान बात नहीं है। और अपनी बेइज्जती पे मैं खुद ही हंसे जा रही थी। थैंक यू मामी और बेबी, मतलब मेरी मामी की लड़की का नाम है बेबी। थैंक यू, मुझे कुछ थोड़ा बहुत कमी महसूस करवाई कि हाँ मैं क्या, कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ। गलत तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि यहाँ गलत कर रहे, लेकिन एक बात बोली उन्होंने कि हस्बैंड ने इजाज़त दे दी, तो मैं कभी ना आपको उनको ऑन कैमरा ही बताऊंगी उन्होंने इजाज़त दी या नहीं दी। दी है तभी बनाई है, लेकिन उनसे भी सुन लेना आप कैसे इजाज़त दी। चलो बच्चों को सैंडविच बना देते हैं। आप आज इसमें बनाएंगे हम सैंडविच। तो बन गया सैंडविच, अभी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा है बच्चों के लिए। तो बच्चे खेलने गए, तो मैं जितने धोती हूँ बर्तन, तो देखते बर्तन धुलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। खाकर बताना कैसा बनाए, ठीक है? जाओ माहिर भैया को भी खिलाना और तुम भी खाना।
और मिसा खाएगी यही। मेरे लिए लेकर आए हैं गुलाब जामुन, तो इसे खा लेती हूँ मैं, एक या दो जितना अच्छा लगता उतना खा लेती हूँ। तो लेकर आए तो खाना तो पड़ेगा ही ना, तो चलो मैं खा लेती हूँ। और आप अपने वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। और मैं गुलाब जामुन खा रही हूँ, माँ मीशा के पापा लेकर आए थे ये अभी, तो इसको खाकर फिर आपसे मिलती हूँ। तो हाँ फ्रेंड, नेक्स्ट डे हो गया है, कल रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं, मायर को स्कूल भेज दिया है और ये है नेक्स्ट डे। हाँ जी, तो आज है नेक्स्ट डे, 1 अगस्त। तो आज कुछ ज़्यादा शामकाश थे, तो मैंने सोचा चलो ऐसा रोज़ रोज़ दिखाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे और आप लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा कि भाई हाँ ये तो एक ही एक काम कर रही, तो नहीं शूट किया है जितना हो सकता जहाँ अच्छे लगे। और मैं सीख रही हूँ, अमृत वीकेंड क्रिएटर के नाम से उनका चैनल है, तो उनसे कुछ सीख रही, तो मैं अब कुछ अच्छे कंटेंट बनाना चाहूँगी, मतलब अच्छे अच्छे कंटेंट पे वीडियो बनाऊँगी ऐसे, मतलब डेली जो मैंने बनाया हो तो मेरी गलतियाँ थी, कोई बात नहीं, गलती से कुछ सीखते हैं, तो कोई नहीं, मैंने जितनी गलती की है उसको मैं अब सुधार करती हूँ, और गलती से देखो इंसान सीखता है, तो चलो कोई नहीं। तो इमरान जी का है बर्थडे मंथ चल रहा है, 1 अगस्त यानी 28 अगस्त को उनका बर्थडे है, तो बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया। आज तो मैं कुछ नहीं कर पाई, तो कल 2 अगस्त से कुछ करना चाहूँगी उनके लिए, कि उनको क्या पसंद है, सिर्फ खाना और कपड़े पहनना, तो कुछ बस इन दो चीज़ों के अलावा। एक बात बोलना चाहती हूँ मैं मेरे फैमिली मेम्बर से और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब फैमिली से, गलत कमेंट ना करें। और देखो औरत हो या लड़की हो, मैं इसे बांध के मत रखो, घर की बहू है, ये करने ये कर रही है वो कर, अरे क्या है, क्या दिख रहा है मेरा ऐसा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। फैमिली ना बताए तो अच्छा है, मुझे डीमोटिवेट मत करो प्लीज़, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करी, आपको पता नहीं क्या गलत काम लग रहा है। 4 दीवारी में ही रहेंगे तभी बहुएँ मतलब अच्छी बनेंगी क्या, कुछ काम कर अच्छा नहीं बन सकते क्या। तो मेरी फैमिली से और यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गलत कमेंट ना करें, जो भी कर रहे हैं तो अपने दुआ से दुआ करिए ना, गलत कमेंट पास करके नेगेटिव ही मत फैलाएं, ना खुद नेगेटिव सोचे, ना खुद का दिमाग ख़राब करे, ना मेरा मेरे को डिमोटिवेट ना करे प्लीज़, हिम्मत ना, सपोर्ट करना है तो करो वरना ना करो। और तुम अगर बुरा लग रहा तो वीडियो ही मत देखो ना यार, छोड़ दो वीडियो मेरा देखना, अनसब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब मत करो, लाइक और पहली बात देखो ही मत, ब्लॉक कर दो अगर ब्लॉक का सिस्टम है तो यूट्यूब पर। तो बस यही था मेरी फैमिली की, मैं एक मैसेज देना मेरे को, हस्बैंड मेरे साथ हैं, उन्होंने कोई मतलब उनसे परमिशन लेके किए, ऐसा नहीं है वो ये तोड़ रही है इसको छूट दे रखी है, अरे हाँ दे रखी है, क्या हो गया, एक अपने दो पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो मतलब उनको एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, बल्कि खुश होना चाहिए ना कि हाँ भाई अपने बच्चे खुश हैं, कोई परेशानी, हाँ इनको परेशानी होना तो मैं ये काम नहीं करती। इनसे पूछा, एक दो वीडियो बनाए थे मैंने, पहले इनको बताया, इनको कुछ बस यहाँ इनको ये था कि अपने परिवार में ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, तो इनको समझाया भी दिखाया भी, तो इनको समझ में आ गया कि हाँ चलो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं, लिमिट में करो, हद में करो, हद और लिमिट आप समझ सकते हैं ना, मतलब ऐसा कुछ गलत काम मत करो जो भाई लोगों को भी लगे और इनको भी ठेस पहुँचे। तो मैं इतना अपने आप पे मेरे को बिलीव है और मेरे को उम्मीद है कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी जो आप लोगों को लगे, पहले ही कह रहे थे ये ऐसी वैसी, तो जिसको जो बोलना बोलो और ना बोलो तो अच्छा है, खुद भी खुश रहो सामने वाले को भी खुश रहो, जियो और जीने दो। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, मेरा 2 दिन का ब्लॉग है, तो आप कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, मैं कुछ सीख रही हूँ यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब से ही सीख रही हूँ कुछ, बहुत से यूट्यूबर हैं अच्छी अच्छी मतलब बातें कर मतलब बताते हैं क्रिएटर्स को, मैं भी वही सीख रही हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं था पहले, मैंने चलो कैमरा उठाया वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने सोचा हाँ भाई वैसे कोई जानता नहीं है मेरे में, लोग क्यों इतना इंटरेस्ट रखेंगे, कोई नहीं, फैमिली वाले नहीं रखते, तो दूसरे आप तो नए हो, दूसरे तो नहीं, अगर मेरे साथ जुड़े तो मेरे अपने हो गए आप। तो बस मेरा आज का मैसेज यही है आप लोगों को, सारे फैमिली मेम्बर को, प्लीज़ परेशान ना हो और ना परेशान करो किसी को,
खुश रहो और तुम अपनी लाइफ में रहो जियो और मैं मेरे को मेरी लाइफ में जीने दो ना यार, क्या हो गया? अच्छा बुरा मेरे पे छोड़ दो, इतने दिन परेशान घर में रहते हैं, कोई परेशान रहती हूँ तो कोई कुछ पूछता है क्या हालचाल? कोई नहीं पूछता, अब क्या दिक्कत हो गई? तो बस जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, आई होप, मुझे उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा किसी कुछ लोगों को, और कोई लोग नया है तो वो मेरे में इतना इंटरेस्ट नहीं रखेंगे देखने का और अच्छा नहीं लगा होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले वीडियो जो भी होंगे वो मैं मतलब सीख कर बहुत अच्छे अच्छे बनाने वाली हूँ। और बस तो ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ मैं, बज गए रात के 10 तो वो भी आने वाले हैं अभी, तो बाय, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा, और जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दे, और जिन लोगों को नहीं लगा तो अनसब्सक्राइब कर दे और डिसलाइक कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कमेंट अगर करना है ना दोस्तों, कोई भी हो चाहे, तो प्लीज़ अच्छे करें, इसे देखो आपको पता ही मेरी फैमिली बिना कुछ करे इतनी बातें बना रही, तो आज का व्लॉग इतना ही, बाय। और इमरान जी का चल रहा है बर्थडे मंथ, तो देखते हैं कब अच्छा करूँ मैं, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, लेकिन चाहे मेरा छोटा ही वीडियो होगा या कट करके होगा, लेकिन अब मैं अच्छे ही वीडियो बनाऊँगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए व्लॉग के साथ और अच्छे व्लॉग के साथ, तो बाय, गुड नाइट।